हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे PTCL का जो मॉडम है उसका जो लैन का IP है वो हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप PTCL का जो पेज है ओपन कर लीजिए। 192.168.10.1 बाई डिफ़ॉल्ट इसका यही IP होता है, इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप सबसे पहले एडवांस सेटअप पे क्लिक करें, उसके बाद लैन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको IP एड्रेस शो हो जाएगा। 10 की जगह पे आप कोई भी IP यहाँ पे चेंज कर लीजिए। मैं अभी 20 रख रहा हूँ। 20 करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे साइड पे तो नीचे आप देखेंगे जो DHCP सर्वर है उसका स्टार्ट IP और एंड IP यहाँ पर आ गया है। लीज टाइम और जो है वो भी यहाँ पर है, आप इसे चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं इसे चेंज नहीं कर रहा, मैंने जस्ट IP चेंज किया है। IP चेंज करने के बाद अप्लाई और सेव कर दिया है। अप्लाई और सेव करने के बाद जो है हमारा जो IP है वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए आप एक दफ़ा या तो मॉडम को रिबूट कर दें, अगर मॉडम को रिबूट नहीं करना तो जो केबल है उसे प्लग आउट करके प्लग इन कर दें, उससे भी जो न्यू IP है वो हमें मिल जाएगा। वायरलेस के साथ अभी जो है वो हम कनेक्ट थे तो इसलिए हम एक दफ़ा डिस्टर्ब करेंगे, एक दफ़ा दोबारा से इसके साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जो है वो हम चेक कर लेंगे कि हमारा IP जो है डिटेल में बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये छोटी सी सेटिंग थी जिसमें हम PTCL का लैन IP जो है वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं ये आपको बताया गया है। तो ये बहुत ही आसान एक तरीका था। तो अब आप और कुछ भी इस बारे में जानना चाहेंगे, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वायरलेस पे आएंगे। वायरलेस के आने के बाद इसकी SSID अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। और मल्टीपल SSIDs अगर आपने इनेबल करनी है तो यहाँ पर ये जितने भी इनेबल के नीचे बॉक्स बने हुए वहाँ पे आप चेक लगाते जाएं, उनका SSID चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप चेंज करते जाएँ। सिक्योरिटी में आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास WPA/WAPI फ्रेज है। हम यहाँ पर जो फर्स्ट आपका जो चल रहा है SSID उस पर क्लिक करेंगे तो उसका पासवर्ड रख सकते हैं। सेकंड SSID का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ का। इस तरह जितने भी मल्टीपल अगर SSIDs अगर आपने सेलेक्ट किए हैं तो मल्टीपल उन सब के पासवर्ड आप चेंज रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिए।